जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली राशिफल 12 से 18 दिसंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और साल 2024 12 में से मित्रों 8 राशियों के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, खासकर फाइनेंस के लिए, धन की स्थिति के लिए। धन की स्थिति में 8 राशियों में बड़ा बदलाव साल 2024 में वर्षेश कुंडली के अनुसार हो रहा है। अब वो 12 में से 8 राशियां कौन सी है, इसकी वीडियो भी हमने अंत में, साप्ताहिक राशिफल पहले शुरू होगा मित्रों, उसके बाद आपका साल 2024 में आर्थिक स्थिति 8 राशियों की कैसी रहेगी, उसकी वीडियो हम अटैच कर रहे हैं, तो उसको पूरा देखें, नोट करें, याद रखिएगा। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह खासकर 12 से लेकर 18 दिसंबर के बीच में ऑफिस या काम करने आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ राजनीति होगी, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ेंगी, आपको शांत रहना है। किसी का झूठ पकड़ा जाएगा, किसी की चुगली आपके खिलाफ करती हुई प्लानिंग पकड़ी जाएगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह सर में दर्द, आँखों में हल्का सा दर्द या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इस सप्ताह वाहन पे खर्चा या बिजली पे आपका खर्चा या आपके उपकरण डिवाइस पे आपका खर्चा रहने वाला है। तो थोड़ा इस सप्ताह मेष राशि वालों को स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। धन की स्थिति नॉर्मल है, काम की स्थिति भी नॉर्मल रहेगी। अब बात करें वृषभ राशि की, तो इस सप्ताह काम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वृषभ राशि का ये सप्ताह रहने वाला है, यानी कि 12 से 18 दिसंबर के बीच में कोई काम से संबंधित आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में बड़ी नोकझोंक इस सप्ताह रहने वाली है, थोड़ा सा वहाँ पर आपको धैर्य बना के चलना है, नहीं तो पार्टनर से बड़े वाद विवाद या मतभेद रह सकते हैं। पार्टनर अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकता है, ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। ये सप्ताह पार्टनर के घर जाने के योग नज़र आ रहे हैं, यानी कुल मिला के वृषभ राशि का ये सप्ताह देखा जाए तो सामान्य फलदायक रहेगा। ये सप्ताह काम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ेगा। काम का फ्लो इस सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा, धन का फ्लो भी इस सप्ताह अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बस पार्टनर से थोड़ी नोकझोंक रह सकती है। मिथुन राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग हल्का सा आपका इस सप्ताह यानी 12 से लेकर और 18 दिसंबर में एक्टिव है, यानी कि रुका हुआ धन, रुका हुआ काम का अंतिम निर्णय इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। यानी कि जिन लोगों को आप काफ़ी समय से फ़ोन कर रहे हैं मिथुन राशि वाले काम लेने के लिए, काम भाई आगे करना है नहीं करना है, धन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये जो सप्ताह जो हल्का विपरीत राजयोग बना है तो मिथुन राशि का अंतिम निर्णय इसमें हो जाएगा, या तो आपको धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका क्लियर इस सप्ताह आपका हो जाएगा। इस सप्ताह आप ट्रैवलिंग में बड़े बिजी रहेंगे, कभी आपको बाजार के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कभी दूसरे शहर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, यानी काम के लिए इस सप्ताह आपकी यात्राएं ज़्यादा रहेंगी। धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है, काम के लिए ये सप्ताह अच्छा है, हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात करें कर्क राशि की, तो ये सप्ताह यानी 12 से 18 दिसंबर के बीच में या तो बॉस से किसी मुद्दे को लेकर या आपके माता पिता से किसी मुद्दे को, टॉपिक को लेकर कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, यानी कि बॉस आपको कोई गुड खुशखबरी आपसे संबंधित देने वाला है, काम से संबंधित देने वाला है, या आपके माता पिता परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी देने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह माता पिता के साथ में आप कोई यात्रा कर सकते हैं, किसी फंक्शन में जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन के लिए ये सप्ताह आपका सामान्य फलदायक रहेगा, स्वास्थ्य इस सप्ताह कर्क राशि वालों का अच्छा रहने वाला है, धन का फ्लो भी नॉर्मल रहेगा, काम का फ्लो भी नॉर्मल रहेगा, यानी कि ये सप्ताह बॉस या पिता से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, बाकी ये सप्ताह आपका सामान्य फलदायक रहने वाला है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 12 तारीख से लेकर 18 दिसंबर, नोट कर लें,
इस सप्ताह किसी टॉपिक को लेकर या तो माता को आप नाराज कर सकते हैं या भाई बहनों को आप नाराज कर सकते हैं, ऐसा योग होगा। बातों पे बातें और बहस पे बहस इस सप्ताह सिंह राशि की हो सकती है। इस सप्ताह किसी इसे कलीग से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो आपका टेम्परामेंट बड़ा हाई होगा, गुस्सा आपका आपको ज़्यादा आएगा, तो गुस्से में इस सप्ताह सिंह राशि को कंट्रोल करना है। काम का भी डिले इस सप्ताह रहेगा, जो भी काम होंगे वो आपसे अगले सप्ताह या अगले महीने के लिए टलने वाले हैं। साथ ही साथ काम संबंधी इस सप्ताह कोई बैड न्यूज़ भी सिंह राशि को मिल सकती है, और आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है, वरना बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ जाएगी। परिवार के अंदर स्थितियाँ बिगड़ सकती है, मित्रों के साथ में स्थितियाँ या सामाजिक क्षेत्र में स्थितियाँ बदल सकती है, क्योंकि तीन ग्रह सूर्य मंगल चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो आपका टेम्परामेंट हाई करने वाला है। तो इस सप्ताह आपको ओम का ध्यान करना है, बजरंगबली का पाठ करना है, ताकि आपका क्रोध और वाणी आपकी नियंत्रण में रहे। स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा है, धन के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। काम में वाद विवाद होंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है। कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि में केतु विराजमान है। इस सप्ताह शेयर बॉन्ड में आपको जबरदस्त नुकसान हो सकता है, या धन इन्वेस्टमेंट करने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इस सप्ताह किसी को धन उधार नहीं देना या फिर धन निवेश नहीं करना। कोई भी बेफालतू की चीज़ें आपको लेके नहीं आनी, मन पे कंट्रोल करना है, शॉपिंग ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इस सप्ताह जो भी आप शॉपिंग करने वाले हैं, जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो बेफालतू का करेंगे, उससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। इस सप्ताह हर काम में आपके थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, अशांति होगी। हर काम आपका पूरा तो जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी से होगा। इस सप्ताह माता को हेल्थ संबंधी इशू रह सकते हैं, बाकी ये सप्ताह आपके लिए नॉर्मल रहेगा। अब बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि का इस सप्ताह हल्का विपरीत राजयोग इस सप्ताह बन रहा है, यानी कि केतु के प्रभाव से आप थोड़े धार्मिक होने वाले हैं। किसी मंत्र जाप को आप इस सप्ताह शुरू करेंगे, या अपनी कुंडली दिखाएंगे, या फिर आप मंदिर के दर्शन करने जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह वाहन पे भी आपका खर्चा होगा, वाहन चलाने में थोड़ा तुला राशि को सावधानी रखनी है, क्योंकि हल्का चालान का योग या हल्का एक्सीडेंट का योग भी सप्ताह बन रहा है। इस सप्ताह अचानक किसी फेमस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी कलाकार से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है, या फेमस सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है। रुका हुआ धन, रुका हुआ काम आपको इस सप्ताह मिल सकता है, लेकिन कई कॉल आपको करने पड़ेंगे, यानी मेहनत से रुका हुआ धन, रुका हुआ काम आपको मिल सकता है। कुल मिला के ये सप्ताह थोड़ा मेहनत वाला रहने वाला है। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये सप्ताह सूर्य मंगल और चंद्रमा आपकी ही राशि में बैठे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि को क्रोध पे नियंत्रण करना है। हर किसी से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, आपका टेम्परामेंट बढ़ सकता है इस सप्ताह, तो मित्रों से वाद विवाद, माता पिता से वाद विवाद, बॉस से नोकझोंक, पार्टनर से आपके नोकझोंक रहेंगे। और इस सप्ताह वृश्चिक राशि वाले खासकर 12 से और 18 दिसंबर में रेड़ी पटरी का बिल्कुल खाना ना खाएं, क्योंकि पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली या एलर्जी की समस्या भी आपको हो सकती है, तो खान पान में वृश्चिक राशि को इस सप्ताह ध्यान रखना पड़ेगा। इस सप्ताह आपका काफ़ी सारी चीज़ों में धन खर्च होगा, यानी मोबाइल एसेसरी आप कुछ खरीदने वाले हैं, या फिर घर के सदस्यों को कुछ वस्त्र या ऑर्नामेंट या कुछ ना कुछ घरेलू वस्तु की खरीदारी आप करने वाले हैं, तो घर का बजट, धन का बजट इस सप्ताह आपका थोड़ा ओवर होने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह लोगों से आपकी बहस भी होगी, इसलिए आपको इस सप्ताह याद रखिएगा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, क्रोध पे कंट्रोल रखना है, नहीं तो काफ़ी बहस होगी। कभी ऑफिस के अंदर सीनियर या कलीग से मतभेद होगी, वहीं पर पार्टनर से भी मतभेद होगा, तो इस सप्ताह आपको अपने क्रोध में कंट्रोल करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं धनुराशि की, तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपके घर के अंदर कोई मेहमान आ सकता है, कोई रहने के लिए आ सकता है, कोई रिश्तेदार आ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और करियर को लेकर बड़ी दुविधा रहने वाली है इस सप्ताह की, इस सप्ताह आपके मन के अंदर
हर निर्णय में थोड़ी धनु राशि के अंदर दुविधा पैदा होगी, ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये काम मैंने जो किया है ये सही किया है या नहीं किया है, यहाँ पर नौकरी कंटिन्यू करूं डिसकंटिन्यू करूं, इस तरह की आपको दुविधाएं रहेंगी। नया काम नई नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। व्यापारियों के लिए इस सप्ताह या जो अपना ही काम करते हैं उनके लिए ये सप्ताह यानी 12 से 18 दिसंबर के बीच में बड़ा काम या बड़ा धन लाभ होने के योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह आपकी किसी दुविधा का समाधान भी आपके मित्र आपका परिवार करने वाला है, यानी मित्रों के साथ में आप किसी मॉल या किसी मनोरंजन में जाने वाले भी, और काफ़ी सारी जो दुविधाएं आपके मन में करियर को लेकर है वो आपके मित्र सॉल्व भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपका दुविधाजनक रहने वाला है। अब बात करें मकर राशि की, तो ये सप्ताह पुराने जो मित्र रह चुके हैं आपके, पुराने जो रिश्तेदार हैं उनसे आपके किसी पार्टी या शादी में या फंक्शन में आपके मुलाकात होने वाली, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में आपका उत्साह बना रहेगा, चाहे आप रिलेशन में हैं लिव इन में हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन और प्रेम में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर आपको खुश करने का जतन करता रहेगा, पार्टनर आपको खुश करने के लिए अच्छा खाना आपके मनपसंद काम करने वाला है। तो इस सप्ताह भाई मकर राशि का दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा रहेगा। इस सप्ताह अचानक किसी बड़े राजनेता या प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है। नौकरी और व्यापार के अंदर इस सप्ताह आपको एक्स्ट्रा काम के इनकम के ऑफर आ सकते हैं, अच्छा खासा धन लाभ इस सप्ताह मकर राशि को हो सकता है। इस सप्ताह परिवार के लिए आप जमकर शॉपिंग करने वाले हैं, बच्चों को कुछ वस्त्र या कुछ किताबें या कुछ ना कुछ आप अपने पार्टनर वस्त्र या माता पिता को दिलाने वाले हैं। तो इस सप्ताह मकर राशि का धन भी सही है, काम भी सही है और रिलेशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो करियर में बड़ा चौंकाने वाला ये सप्ताह रहेगा। डेट नोट करें 12 से और 18 दिसंबर के बीच में काम का नया ऑफर आपको मिल सकता है, अचानक कोई व्यक्ति आपको बड़ी डील दे सकता है, धन कमाने के नए ऑफर आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा आपके अंदर घबराहट होगी लेकिन आप आत्मविश्वास बना के यदि वो अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाने वाली है। इस सप्ताह आपके नए मित्र भी कुंभ राशि के बनने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। आर्थिक स्थिति भी इस सप्ताह काफ़ी अच्छी रहने वाली है और इस सप्ताह आप कुछ धन इन्वेस्टमेंट मार्केट में करने वाले हैं या प्रॉपर्टी में करने वाले, या कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से कुंभ राशि वाले इस सप्ताह इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और जो आपका रुका हुआ धन था वो भी इस सप्ताह आपको मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। और इस सप्ताह काम के सिलसिले में कुंभ राशि की बड़ी यात्राएं होंगी लेकिन बड़ी डीले भी होंगी। तो कुल मिला के इस सप्ताह कुंभ राशि का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है और काम के लिए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है, यानी कि कुंभ राशि को इस सप्ताह खूब मेहनत करनी है। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की, तो इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में अचानक आपकी यात्रा हो सकती है, किसी शादी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते हैं या किसी मंदिर में आप जा सकते हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। मीन राशि के अंदर करियर के अंदर देखा जाए तो इस सप्ताह पद से संबंधित या नए प्रोजेक्ट से संबंधित भाई मीन राशि वालों को कोई बड़ा परिवर्तन या बड़ा लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। रुका हुआ धन भी मीन राशि को मिलेगा और आपका जो पार्टनर है वो परिवार संबंधी कोई खुशखबरी या अपने करियर संबंधी कोई खुशखबरी देने वाला है। लेकिन मीन राशि का स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि वाले जातक जातिका को इस सप्ताह ENT की प्रॉब्लम, थोड़ा नींद ना आने की प्रॉब्लम, हाथ पर पैर में दर्द की प्रॉब्लम इस सप्ताह भाई लगी रह सकती है, ये याद रखिएगा। या और इस सप्ताह मीन राशि का पुराने रिश्तेदार या पुराने मित्रों से आपकी किसी पार्टी या फंक्शन में अचानक भेंट भी हो सकती है। तो कुल मिला के धन के लिए मीन राशि का ये सप्ताह अच्छा है, करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, जरूर थोड़ा भागी जरूर होगी लेकिन ये सप्ताह अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। और मित्रों साल 2024 में 8 राशियों के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी 12 में से 8 राशियों का कहीं ना कहीं धन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में अब हम चर्चा करेंगे।
जय माता दी मित्रों, इस राशि वाले अगर देखा जाए तो धन कमाने के लिए अगर देखा जाए तो सबसे सफल राशि मेष राशि होती है। मेष राशि वाले खूब जीवन के अंदर मेहनत करते हैं, खूब धन भी अर्जित करते हैं। खासकर देखा जाए तो इनका जो शौक होता है, जो इनका इंटरेस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर होता है। घूमने फिरने का इनका शौक होता है, खाने पीने का इनका शौक होता है, यानी काफ़ी अगर ये धन अर्जित करते हैं ना मेष राशि वाले तो जनरली इन चीज़ों में खर्चा करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इनके पास महंगे से महंगे गैजेट कंप्यूटर देखे जा सकते हैं। खाने पीने में टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट में ये जाते हैं, कपड़े ये ब्रांडेड पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं परफ्यूम का इनको शौक होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो घूमने फिरने का इनको शौक होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा पैसा ये खर्च करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पैसा डबल करने के लिए मेष राशि वाले अक्सर लोग क्या करते हैं कि शेयर, स्टॉक मार्केटिंग या प्लॉटों के अंदर धन निवेश करते हैं, और जिससे कि इनको आने वाले 5 साल 10 साल में वही प्लॉट वही जो शेयर है बहुत अच्छा रिटर्न करते हैं, जिससे ये अमीर हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मेष राशि ऐसी राशि है जनरली जो पैसे कमाने के लिए बहुत सफल राशि कही जाती है। मेष राशि वाले जातक और जातिका कहीं ना कहीं जीवन में अच्छे धनवान कहे जा सकते हैं। अपनी बुद्धि से ये लोग अच्छे जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बड़ा लाभ होता है। साल 2024 में देखा जाए तो कहीं ना कहीं धन का मामले में देखा जाए तो धन की स्थिति साल 2024 में बहुत अच्छी है। बुध और शुक्र एक साथ होने से एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनते हैं, यानी कहीं ना कहीं दो जगह से आपको इनकम प्राप्त होगी। जो नौकरी करते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, जो व्यापार करते हैं तो वो कहीं ना कहीं निवेश करके एक्स्ट्रा सोर्स इनकम के बनाएंगे, और ये जो योजना उनकी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ साल 2024 जो 8 नंबर का साल है, अगर आप इसको एकल करते हैं तो इसमें मेष राशि वालों को खूब बड़ा धन का लाभ हो रहा है, या रुका हुआ बड़ा धन इनको मिलेगा। खासकर देखा जाए तो मार्च 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक देखा जाए तो इस समय पे आपका विपरीत राजयोग बनेगा, जो कि आपको बड़ा धन लाभ, बड़ी डील, बड़ा गेन आपको दे सकता है मार्च से अक्टूबर के बीच में। साथ ही साथ देखा जाए साल 2024 में आपको कुछ बातों का सावधानी भी रखनी है मेष राशि को। टी एन और वाई अक्षर से जिनके नाम की स्टार्टिंग होती है, जिनके नाम टी एन वाई अक्षर से, इन लोगों से धन संबंधी अगर लेन देन साल 2024 में कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरते। ऐसे अगर मित्र हैं, ऐसे अगर रिश्तेदार हैं तो उनसे बिल्कुल भी आपको लेन देन करना है तो थोड़ा सावधानी बरते, कागजों पे लेन देन करें, नहीं तो आपका धन ये डुबा सकते हैं, अपने मतलब के लिए आपको नुकसान दे सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए इस साल 2024 में मेष राशि वाले बड़ा वाहन खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग साल 2024 में बन रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि का साल 2024 8 का जो नंबर है वो धन के लिए बहुत अच्छा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। साल 2024 में अगर देखा जाए तो तीसरी घटना के बारे में बात करें तो बुध भाई आपके अष्टमेश बैठे हैं, यानी अष्टम भाव में बुध बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों से आपके रिलेशन मजबूत होने वाले हैं। भाई बहनों से जो वाद विवाद थे वो आपके समाप्त हो रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी का वाद विवाद हो, चाहे हिस्से के बंटवारे का जो वाद विवाद है या मानसिक वाद विवाद है वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो भौतिक वस्तु को लेकर जो रिलेशन खराब हो गए थे, जैसा मैंने कहा किसी जमीन या किसी चीज़ को लेकर जो रिश्ते खराब हो गए थे वो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। खासकर फरवरी से लेकर और सितंबर 2024 में आपसी बैठक करके आप उस वाद विवाद को सॉल्व करने वाले हैं, याद रखिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो अष्टमेश बुध भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करने वाला है, जो पारिवारिक वाद विवाद था वो भी बैठ कर आप सॉल्व करने वाले हैं। वृषभ राशि जनरली अगर मैं बताऊं तो धन की स्थिति में वृषभ राशि में उतार चढ़ाव जीवन में रहता ही है, यानी नेकी कर कुएं में डाल, वृषभ राशि पे ये चीज़ बिल्कुल सूट करती है। यानी वृषभ राशि वाले जातक जनरल साधारणतया से देखा जाए तो अच्छा धन कमाते हैं, मेहनत से धन कमाते हैं, लेकिन
वो धन अपने भाई बहन पे खर्च भी करते हैं, अपने मित्रों को बढ़ाने में खर्च करते हैं, और बाद में जब इन पे विपत्ति पड़ती है तो कोई काम नहीं आता, तो वही नेकी कर कुएं में डाल, ये लोगों की भलाई में अपना धन भी लगाते हैं, भाई बहन की सफलता में अपना इनका भी बहुत सहयोग होता है वृषभ राशि वालों का। साल 2024 में देखा जाए तो बुध और शुक्र दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, तो साल 2024 एक्स्ट्रा इनकम वाला साल रहेगा, यानी कहीं ना कहीं नौकरी के साथ में आप कोई ना कोई नए काम में हाथ आजमाएंगे, नया कोई काम करेंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी। धन संबंधी कोई बड़ी डील या बड़ा अवसर किसी व्यक्ति से साथ काम करने का आपको मिल सकता है, उसको मना ना करें, वो करें, उससे लाभ होगा। और साल 2024 में याद रखिएगा जो मैं अक्षर बता रहा हूँ, ई यू वी आर, ये जो चार लेटर हैं दोबारा बोल देता हूँ, ई यू वी और आर, इस अक्षर वाले व्यक्ति की बात फाइनेंशियली आप माने, ई यू वी आर वाले व्यक्ति अगर आपको कोई राय देते हैं तो उसको माने, इससे आपके आर्थिक स्तर में और जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। तो इन अक्षरों की बात मानना आपके लिए साल 2024 में लकी साबित होगा। तो धन भाव के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा सिंह राशि में तृतीय भाव में बैठे हैं, और मंगल की अष्टम दृष्टि, जो मंगल रोचक योग बना रहे हैं उनकी अष्टम दृष्टि धन भाव पे बैठी है, यानी कि इनकम तो बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी इनकम देखा जाए तो साल 2023 से तो जबरदस्त रहने वाली है, यानी इस साल आप काफ़ी धन कमाने वाले हैं, काफ़ी स्रोतों से धन कमाने वाले हैं, और धन जो है आपका निवेश भी होगा, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको धन आएगा, पहले आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे फिर खरीदेंगे, साथ ही साथ कमीशन या ऑनलाइन काम से भी आपको धन प्राप्त हो रहा है साल 2024 में, सरकारी योजना का भी आपको लाभ होगा। खासकर देखा जाए तो फरवरी से लेकर नवंबर धन के लिए बहुत अच्छा महीना है, याद रखिएगा, यानी ये जो साल है धन के लिए मिथुन राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ एम अक्षर और टी अक्षर, जिन रिश्तेदारों का, मित्रों का नाम, जान पहचान में मित्रों का नाम या आपकी पत्नी का नाम एम और टी अक्षर से, तो उनकी राय आपको खूब फलने वाली है, यानी कि ममता या तनिष्क इस तरह का जो जिनका भी नाम है, जिनके नाम में पहला अक्षर एम या टी है, उनसे जरूर राय लें, उनकी राय आपको लाभकारी रहेगी 2024 में। धन की स्थिति के बारे में बात करें, फाइनेंस के बारे में सिंह राशि के लिए देखा जाए तो भाई चंद्र और केतु वार्षिक राशिफल में सेकंड भाव में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए तो जनरली देखा जाए साधारणतया सिंह राशि वाले वैसे खर्चीले स्वभाव के होते हैं, टिप टॉप रहने पे खर्चा करते हैं, कपड़े पे खर्चा करते हैं, गहना पहनना पसंद करते हैं, सोना चांदी लादना पसंद करते हैं, तो उसमें भी खूब खर्चा करने वाले हैं, घर में इंटीरियर पे खर्चा ये खूब करते हैं, ब्रांडेड वस्तुओं पे खर्चा करते हैं, यानी खर्चीले स्वभाव के होते हैं, एंटीक चीज़ों पे धन खर्च करना पसंद करते हैं, यानी वैसे जनरली देखा जाए तो सिंह राशि वाले खर्चीले स्वभाव के होते हैं। साल 2024 के अंदर देखा जाए तो अच्छा धन आप कमाने वाले भी है, और चंद्रमा और केतु द्वितीय स्थान में बैठे हैं, यानी आप जो है साल 2024 में अच्छा धन कमाएंगे और अच्छा दान धर्म भी करने वाले हैं, यानी किसी संस्था से जुड़कर आप अच्छा खासा दान भी करेंगे, अच्छा खासा धर्म भी करेंगे। साल 2024 के अंदर देखा जाए विदेश संबंधी इनकम आपको प्राप्त होगी, या विदेशी काम आपको मिल सकता है, या विदेशी इनकम का लाभ आपको मिल सकता है। साल 2024 के अंदर अगर देखा जाए तो आपको धन का तो लाभ हो ही रहा है सिंह राशि को, साथ ही साथ जमीन वाहन का भी लाभ होगा, यानी साल 2024 के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय से भी सिंह राशि को अच्छा लाभ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए साल 2024 में सिंह राशि वाले अपनी संतान को या तो वाहन देने वाले या विद्या पे मोटा खर्च करने वाले भी है, यानी संतान पे धन खर्च भी होगा। साथ ही साथ देखा जाए और पूरे साल आप अपनी ओवरऑल इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल के गरीबों की हेल्प भी करने वाले हैं। कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आप इनकम भी आप जनरेट कर रहे हैं साल 2024 के अंदर, और काफ़ी हिस्सा आपका खर्च भी हो रहा है साल 2024 के अंदर। सिंह राशि वाले ध्यान से सुने,
पी नाम के लेटर यानी जिसका पहला अक्षर पी से है, जिसका नाम पी से शुरू हो रहा है, ऐसे मित्र, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे जान पहचान वाले मित्र आपको धन संबंधी मोटा लाभ करा सकते हैं। तो पी नाम का कोई भी व्यक्ति हो उससे आपको जबरदस्त लाभ होने के योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए धन के लिए अप्रैल जून का महीना थोड़ा खर्चा वाला रहेगा, बाकी 10 महीने आपके धन के लिए बहुत लाभकारी है। यानी साल 2024 में सिर्फ अप्रैल और जून का महीना थोड़े आपको खर्चे बढ़ जाएंगे, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, बाकी 10 महीने आपकी स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। आपके धन भाव यानी फाइनेंस में यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों ही बैठे हैं। वैसे तो देखा जाए जनरली तुला राशि वाले बचपन से बड़े संघर्ष वाला जीवन तुला राशि का रहता है, यानी गरीबी से अमीरी का सफ़र तय करते हैं। बचपन जनरली तुला राशि का बड़ा अभावपूर्ण गुजरता है, यानी कि चीज़ों की कमियों में इनका बचपन गुजरता है और मेहनत करने के बाद कुछ लोगों का लक काम करता है और जीवन में एक एज के बाद ये अच्छे धनवान कहे जा सकते हैं, या अपने टैलेंट के बदौलत अपने बुरे दिनों को अच्छा कर लेते हैं। खासकर 32 साल से लेकर और 45 के बीच में इनकी किस्मत इनका साथ देती है, या टैलेंट या मेहनत करके ये अच्छे स्तर पे पहुंच जाते हैं, यानी मेहनत इनका कहीं ना कहीं साथ देने वाली है 32 से और 45 में ये जनरली होता है। साल 2024 के अंदर अगर देखा जाए तो धन संबंधी चार बड़े परिवर्तन तुला राशि के जीवन में साल 2024 में देखे जा सकते हैं। पहला अगर परिवर्तन देखा जाए तो साल 2024 ही होगा जिसमें मल्टीपल इनकम तुला राशि को प्राप्त होगी, यानी कम से कम देखा जाए तो दो जगह से आप इनकम के सोर्स बढ़ाने वाले हैं, या तो कुछ लोगों के छोटे इनकम सोर्स एक्टिव होंगे और कुछ लोगों के बड़े इनकम सोर्स बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं डबल इनकम के योग साल 2024 में बनने वाले हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आपके पास धन पड़ा है, फंड बना है, उसको आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, FD में इन्वेस्ट करने वाले हैं, किसी स्कीम में आप डालने वाले हैं और उसका भी आपको रिटर्न प्राप्त होगा। साथ ही साथ साल 2024 के अंदर आप प्रॉपर्टी को सेल पे लगाने वाले हैं, उससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2024 में किसी काम में आप धन इन्वेस्ट करने वाले हैं, या नया शोरूम, नई दुकान या नए प्रोडक्ट पे आप धन इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, जिसका भी आपको देखा जाए तो जून के बाद यानी जून 2024 के बाद अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। यानी इनकम के लिए देखा जाए तो साल 2024 अगर इसका टोटल किया जाए, वैसे ये 8 नंबर का साल है, यानी शनि का साल है, यानी कि खूब मेहनत कराने वाला है, खूब दिमाग लगाएंगे, धन कैसे डबल हो जाए इसका बड़ा दिमाग लगाएंगे, लेकिन ये संभावनाओं को आप सच साबित करेंगे। साल 2024 यानी जो शनि का साल है वो आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो M अक्षर वाले, T अक्षर वाले, N अक्षर या Y, यानी MTNY वाले जो अक्षर वाले जो लोग हैं उनकी एडवाइस आपको खूब फलने वाली है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, ये जो व्यक्ति हैं ये जो एडवाइस देंगे ये आपके लिए रामबाण की तरह साल 2024 में साबित होगी। तो जिनका नाम अक्षर M से शुरू होता है, T से शुरू होता है, N या Y से शुरू होता है, उनकी बात मानने से भाई आपको फायदा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की फाइनेंस के बारे में। तो साल 2024 के अंदर देखा जाए सूर्य और मंगल साथ में बैठे हैं, कहीं ना कहीं ध्वजा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2024 में दो जगह से बड़ा धन, बड़ी इनकम मिल सकती है साल 2024 के अंदर। यानी कि साल 2024 के अंदर जमीन से कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलने वाला है, या तो आपको ऐसी जमीन मिलने वाली है जिसके रात दिन चौगने रेट हो जाएंगे, यानी जमीन से आपको लाभ होगा, या जमीन में रेंटल इनकम से आपको लाभ होगा, या जमीन से संबंधित लाभ 2024 में वृश्चिक राशि को होगा।
दूसरा देखा जाए तो 2024 के अंदर ही आप कोई ऑनलाइन या फिजिकली कोई व्यापार, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिसमें भी आपको इनकम प्राप्त होगी, यानी आप जॉब या व्यापार के अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहेंगे। और खासकर जनवरी से लेकर और अक्टूबर 2024 तक करियर में और धन में एक जबरदस्त वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम आप कमाने वाले हैं। यानी साल 2024 इसको टोटल करेंगे तो शनि का साल है, शनि की ढैया भी आप पे लगी है, लेकिन ये वाला शनि यानी वर्सेस शनि आपके लिए लाभकारी है, आपको एक्स्ट्रा इनकम देगा। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर बात करें तो द्वितीय भाव में भाई वार्षिक कुंडली में शनि देव बैठे हैं, इसलिए देखा जाए तो धन कमाने के लिए आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, अपने लोन को उतारने के लिए बड़े मेहनत करने वाले हैं, साथ ही साथ कामयाब होने के लिए नया कोई काम आप शुरू करने वाले हैं, ऑनलाइन वर्क करने वाले हैं, यानी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने वाले हैं। ऐसा योग साल 2024 में मकर राशि का बन रहा है, यानी नौकरी के साथ में कुछ ना कुछ आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ शुरू करेंगे जिससे कि साल 2024 के अंदर आपकी इनकम बढ़ जाएगी। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा है, यानी मेहनत और सालों की तुलना में ज़्यादा करने वाले हैं। एक तो शनि द्वितीय भाव में आपके बैठे हैं, साथ ही साथ 2024 का भी टोटल करेंगे तो 8 आता है, 8 अंक भी शनि का है। तृतीय घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में वार्षिक कुंडली में राहु महाराज बैठे हैं, तो थोड़ा सा साल 2024 थोड़ा सा भाई बहनों से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, देखा जाए तो भाई बहनों से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाला साल है, थोड़े गुस्से पे काबू रखिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। साल 2024 में मकर राशि की अचानक विदेश यात्रा के भी योग मिलते हैं, यानी राहु तृतीय में एक अच्छा और एक बुरा रिजल्ट देगा। फाइनेंस के लिए देखा जाए दूसरी घटना के बारे में कि धन के लिए ये साल कैसा रहेगा, तो धन भाव के स्वामी गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए और धन भाव में आपके राहु बैठे हैं मीन राशि के अंदर, तो कहीं ना कहीं साल 2024 अगर देखा जाए धन की स्थिति कुंभ राशि वालों की बहुत बढ़िया रहने वाली है, याद रखिएगा। बल्कि देखा जाए और जनवरी 2024 से ही आपको धन संबंधी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई बड़ी डील जनवरी से ही आपके जीवन में आ सकती है, कोई व्यक्ति ऐसा टकरा सकता है, कोई काम ऐसा टकरा सकता है कि जनवरी से ही आपको अच्छा धन लाभ होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ सरकारी योजना का लकी ड्रॉ का आपको साल 2024 में कुछ लाभ हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी सरकारी योजना के अंदर यदि आप कुछ भरते हैं लकी ड्रॉ, कॉमर्शियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट यदि कुंभ राशि वाले भरते हैं तो उनके निकलने के चांसेस साल 2024 के अंदर 90% के आसपास है। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2024 के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदने के आपके योग बनते हैं या वाहन खरीदने के आपके योग बनते हैं, पुरानी छोटी प्रॉपर्टी भी आप बेच सकते हैं या पुराना वाहन भी साल 2024 के अंदर आप स्वाहा करके बड़ा वाहन ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए धन की स्थिति के लिए जनवरी से लेकर अक्टूबर यानी ये जो 10 महीने वंडरफुल रहने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं कुंभ राशि वालों को बताना चाहता हूँ कि दो ऐसे नाम के अक्षर हैं जिनसे भाई आपको धन का लेन देन करते हुए साल 2024 में सावधानी बरतनी है, वो दो अक्षर है डी अक्षर और एच अक्षर, यानी डी और एच अक्षर से जिन भी व्यक्तियों का नाम शुरू हो रहा है ऐसे मित्र ऐसे रिश्तेदारों से आपको धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, या फिर धन संबंधी किसी भी काम में विश्वास थोड़ा सा सावधानी से करें वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।